फाइनली 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 हमारा चार्मेलियन इवॉल्व होने जा रहा है इनटू द चारिज़ार्ड। आई एम वेरी वेरी ग्लैड हियर। यहाँ पे फाइनली मैंने कहा था आप लोगों से कि आज जो है वो आप लोगों को पूरी मेरी इवॉल्व टीम मिल जाएगी, एंड ये रही वो टीम। क्योंकि इतना ही नहीं, यस इतने में हम लोग रुके नहीं थे, मैंने और ट्रेनिंग की एंड वॉर टर्टल इज आल्सो इवॉल्विंग। तो जी हाँ गाइस यार, यहाँ पर अभी फाइनली हमारे सारी की सारी टीम यहाँ पर इवॉल्व हो चुकी है। तो जी हाँ गाइस यार, देयर इज अ नो मोर टू गो, देयर इज अ नो मोर पोकेमोन इन दिस रीजन। यहाँ पे मेरी फाइनल ड्राफ्ट मैंने कहा था आप लोगों से मिलने जाने वाला है। सो वी आर हियर अगेन एट द पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, जहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने कैच किया था आर्टिक्यूनो को, बट दैट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, मे बी 2 or 3 days अगो, क्योंकि वीडियो आ ही नहीं पा रही थी 2 दिन से, जस्ट बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू में। पोकेमोन सोल सिलर में थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, क्योंकि उसके एपिसोड शूट करने बाकी थे, तो वो मैंने कर दिया। अभी एयर भी हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब कि 3-4 घंटे बाद। तो यस, अभी आप लोग देख सकते हो मेरी टीम जो है, आई विल नॉट से टुडे दिस इज माय फाइनल ड्राफ्ट, बट आई कैन से दिस इज ऑलमोस्ट माय फाइनल ड्राफ्ट। इसमें बस पिजियॉट ही एक पोकेमोन है जो शिफ्ट हो सकता है, बट करंटली हम लोग है सैफ्रॉन सिटी पोकेमोन जिम, जिम लीडर सबरीना द मास्टर ऑफ अ साइकिक पोकेमोन। ऑल राइट, सो ओके, सो शो मी एटलीस्ट पोकेमोन एट लेवल 45। मेरे यार लेवल 50 के हैं, तो 2 दिन मैंने क्यों लिए थे ना, इसीलिए लिए थे कि आई वॉज ट्रेनिंग अ बिट, अ वेरी बिट मच, काफ़ी ट्रेनिंग कर रहा था मैं मेरे पोकेमोन्स की। मैंने पोकेमोन मतलब कि मैंने क्या किया ना, बेसिकली मेरे सारे पोकेमोन्स को मैंने डिपॉजिट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने चारिज़ार्ड और कह सकते हो कि ब्लैकपोर्ट के साथ उनको लेवल इवॉल्व होने तक जो है वो मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई। एंड एट जैसे वाले 50 पे पहुंच गए, तो आई जस्ट कह सकते हो कि अभी उनको इवॉल्व होने का वक्त आ चुका है, आई डिटरमाइन दैट। तो अभी जो है वो हम लोगों को जाना है सबरीना तक, तो रास्ता जो है वो कह सकते हो कि वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट विदाउट एनी बैटल मैं जो हूँ वो ट्राई करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये लोग जो है वो मूव होते रहते हैं, जब भी कोई ट्रेनर मूव होता है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग वो बैटल जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइडेशन इन दिस गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन अदर गेम्स, जब भी कोई बैटल हो तो। एंड वैसे भी ये गेम स्पीड में नहीं खेल रहे हैं हम, जब बैटल की बात आती है जो सिल्वर हो जाता है, तो उस वजह से हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं जैसे कि NPC के बैटल्स आते हैं तो, बट अभी इसमें जो है हम लोग कर नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई जितना हो सके मैं उतना बैटल को डॉच कर देता हूँ, एंड जब हम लोगों को ट्रेनिंग करनी हो तब हम लोग ये बैटल जो है वो करने वापस से आ जाते हैं, ताकि परेशानियां ना आए। सो राइट नाउ आई एम हियर एट कह सकते कि अभी भी थोड़ा सा जो है तो मुझे पजल, थोड़ी सी बड़ी सिटी है ये इस जिम की, मतलब ये शायद ना और कह सकते कि ये बनाई है खुद से सबरीना, सारा का सारा जो है वो एक कह सकते हो कि किया धरा है हमारे जिम लीडर सबरीना का। तो ओके, सो यहाँ से अभी बस 2 ही रास्ते हैं जा रहे हैं, तो ये रास्ता चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता गलत है, फिर से जाना पड़ेगा। वो ऊपर वाला जो रास्ता है ना, अभी बस वही एक रास्ता बचा है, तो वहाँ से, अरे यार ये गलती से आ गया मैं, यहाँ पर नहीं आना था मुझे वैसे तो। वो जो ऊपर वाला रास्ता बचा है ना, वहाँ मुझे ट्राई करना है, बट ये बैटल स्किप करना पड़ेगा मुझे। यस स्किप कर लिया मैंने, एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं सबरीना के पास, तो चैलेंज है, तो सेव कर लेता हूँ मैं गेम को। ऑल राइट, कौन जाएगा ये बैटल में, कटाबरा तो है लेवल 50 का, तो क्या करें यार, किसको लेकर जाए, ब्लास्टोइस के पास बाइट है तो ब्लास्टो के साथ ही चले जाते। ऑल राइट, सो
तुम आ गए। मैंने विजन देखा था तुम्हारे आने का। मेरे पास साइकिक पावर्स है। मैं ये कहने से चीज़ करने लगी जब मुझे मैंने पता चला मैं स्पून को मूव कर सकती हूँ। मुझे बैटल पता नहीं है बट एज अ सिमुलेटर ये मुझे करना पड़ेगा। ऑल राइट, हियर वी गो। ध्रुव द गेमर वर्सेस द सैफ्रॉन सिटी पोकेमॉन जिम, जिम लीडर सबरीना। तो उसके अलावा जो है उसने शुरुआत करी है यहाँ पे। उसके फर्स्ट पोकेमॉन, टोटल उसके पास तो 4 पोकेमॉन है, दिखाई नहीं देता ना, छोटा सा आइकन वो दिख रहा है, वो 4 पोकेबॉल्स। तो उसने शुरुआत करी है माइन के साथ। मिस्टर माइन जब भी देखता हूँ ना मुझे वो एपिसोड याद आ जाता है, जब वो कह सकते हो कि चले जाता है यहाँ पे ऐश के पास, ऐश के घर में, उसकी माँ उसको संभाल लेती है मिस्टर माइन को। वो एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था, वैसे मुझे मज़ा आया था वो एपिसोड देखने में। बट अभी जो है वो यहाँ पे हम लोगों को हराने में तकलीफ हो रही है मिस्टर माइन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वैसे मिस्टर माइन। बाइट के साथ चले जाता हूँ एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर माइन को हरा दिया है। अभी भी उसके टोटल 3 पोकेमॉन स्टिल लेफ्ट आउट है। तो इन 3 पोकेमॉन के खिलाफ जो है वो मैं यूज़ करूँगा। ओके, स्लो ब्रो आ रहा है तो मुझे पिकाचू को ही लाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। हाँ, ये स्विनोसॉर ऑप्शन है, बट अगर उसके पास आइस बीम रही तो वो ऑप्शन भी ब्लॉक आउट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग पिकाचू को ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड टाइप मूव्स तो नहीं रह गएंगे यहाँ पे जब स्लो ब्रो के पास। तो अभी जो है मैं चले जाता हूँ थंडरबोल्ट के साथ। फर्स्ट थिंग हम लोग थंडरबोल्ट देंगे एंड देन लेटर वन हम लोग मे बी जिपी जैप से जो है वो ये बैटल को कंप्लीट कर लेंगे। ओ सर, पानी से भिगाना चाहता है हमारे पिकाचू को। पिकाचू भी सब जानता है वैसे, हम लोगों ने कल के ही मतलब कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो अभी जिपी जैप नहीं, थंडर के साथ चले जाते हैं एंड ये बैटल को अभी डन करने का वक्त आ ही चुका है। वैसे तो 2 पोकेमॉन हम लोगों ने ऑलरेडी उसके डाउन कर लिया है वैसे। ओके, सो द स्लो ब्रो हैज बीन डाउन। पता नहीं नेक्स्ट कौन है, जिंक्स। अच्छा, तो ये थर्ड बैप कह सकते हो पोकेमॉन है एंड थर्ड हमारा भी पोकेमॉन है, क्योंकि जिंक्स एक आइस टाइप पोकेमॉन है। तो उसके फायर टाइप मूव जो है वो मक्खन की तरह चलेंगे। यस, मक्खन की तरह जो है वो यहाँ पर डाउन कर लेगा यहाँ पर हमारा चारिजार्ड। तो फायर भी नहीं है यार, अटैक कम है हमारे चारिजार्ड के पास, अटैक्स देने पड़ेंगे शायद से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ही अटैक्स रहेंगे, लेकिन कम है यार। मैं जा रहा हूँ अभी वापस से फायर स्पिन के साथ एंड दैट्स इट। तो 2 हिट लगे मुझे फायर स्पिन के, बट हम लोगों ने हरा दिया है यहाँ पे जिंक्स को। लेट्स सी कि कौन आता है नेक्स्ट अप। ओ द बिग वन, द बिग डैडी इज हियर। यहाँ गाइस यार बिग डैडी आ चुका है, जो कि है दी अलकजम। यप, मेरा कड़ाबरा कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। मैं ये गेम रियूजिंग्स के इमुलेटर में खेल रहा हूँ। यस, पोकेमॉन ब्लू एंड डायमंड आई एम प्लेइंग ऑन पोकेमॉन सूर्य इमुलेटर एंड इन द रियूजिंग्स, क्योंकि ये भी सेव फाइल जो है वो ऑलरेडी डल चुकी है दोनों ही पोकेमॉन के सेपरेट, तो हम लोग सेपरेट ही रखे हैं। तो यस, बाई डे दिया है एंड इसी के साथ वी हैव सक्सेसफुली डाउन दी अलकजम। तो यप, ये बैटल को हम लोगों ने जीत लिया है वैसे तो, एंड वी है ऑब्टेन सक्सेसफुली। तुम्हारी भी फ्री है, ये लो मार्श बैश। ओके, सो वी हैव ऑब्टेन दी, कितना ये बैच है, ये 5th ना, नहीं सिर्फ जिम बैच आज से, पहला जिम बैच प्यूटर, देन सरुलियन, देन कह सकते हो कि वर्विलियर, 4th, हाँ यस 5th जिम बैच हम लोगों ने ऑप्टेन, 5th नहीं 6th जिम बैच। अभी जो है वो बस 2 जिम बैजेस हम लोगों को ऑप्टेन करने हैं एंड देन हम लोग जो है वो चैलेंज करने के लिए जा सकते हैं पोकेमॉन लीग को। तो फिलहाल इस एपिसोड को तो मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा मंडे, थोड़ा सा लेजी मंडे रखते हैं इसको। एपिसोड तो ख़त्म नहीं होगा, एपिसोड को मैं मतलब कि मेरी वॉइस ओवर कट कर रहा हूँ अभी जो है वो। मैं क्या मेन करूँगा ना यहाँ से, हम लोग अभी सीधा जाएंगे, आप लोगों को मैं ब्रीफली बता देता हूँ मैं क्या क्या करूँगा अभी।
सिंपली हम लोग चले जाएंगे यहाँ से सीधा। कहाँ पर जाना है मुझे यार? सिनेवर आइलैंड। यस, अभी जो है हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो ट्रेनिंग का जो मतलब कि ये जो बैठा बाजू में आप लोगों ने एक बिल्डिंग देखी कह सकते हो कि वो डोजो का जो चैलेंज है, कह सकते हो कि हम लोग वो करने जाएंगे फाइटिंग डोजो। एंड वहाँ से जैसे ही कंप्लीट होगा ना सारा का सारा स्टफ, हम लोग चले जाएंगे सीधा सिनेवर आइलैंड में। यस, सिनेवर आइलैंड की तरफ चले जाएंगे। सिनेवर आइलैंड में आज कैसे भी करके मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, कल नहीं तो परसों उसके जिम लीडर को भी चैलेंज करना है। ये वीक में मेरा टारगेट है कि मैं सारे के सारे जो हूँ वो जिम बैजेस ऑब्टेन कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है और इसे डिले ना करने की वजह से हम लोग जो है वो आज के ही दिन चले जाएंगे सीधा सिनेबार आइलैंड में। तो करंटली इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन अ डिस्क्रिप्शन। तो आई विल जस्ट सी यू इन अ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दी पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, जहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर अपनी स्टेप क्लियर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।